यूपी में भाजपा अपने सहयोगी दलों को 6 लोकसभा सीट दे सकती है। यूपी में भाजपा ने अपना दल आरएलडी, सुभाजपा और निषाद पार्टी से गठबंधन किया है। माना जा रहा है कि 74 लोकसभा सीट पर भाजपा चुनाव लड़ेगी, वहीं अपने सहयोगी गठबंधन के दलों को 6 सीट देगी। इसमें अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल को भाजपा 2 लोकसभा सीट दे सकती है। वहीं भाजपा राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी की पार्टी को भी 2 लोकसभा सीट दे सकती है। हाल ही में जयंत चौधरी और भाजपा के बीच गठबंधन हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा आरएलडी को 2 सीट देने के लिए तैयार है। वहीं सुभाजपा पार्टी जो कि ओम प्रकाश साजभर की पार्टी है, ओम प्रकाश साजभर की पार्टी को भाजपा 1 लोकसभा सीट देने को तैयार है। वहीं ओम प्रकाश साजभर ने करीब 4 लोकसभा सीटों की मांग की थी। भाजपा ओम प्रकाश साजभर की सुभाजपा पार्टी को 1 सीट देने जा रही है। वहीं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद, उन्हें भाजपा 1 सीट देगी। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने रणनीति बना ली है। अपने सहयोगी दलों को भाजपा ने सीट बांट दी है। लगभग यह सीट फाइनल माना जा रहा है। अपना दल को 2 लोकसभा सीट, आरएलडी को 2 लोकसभा सीट, सुभाजपा को 1 और निषाद पार्टी को 1 सीट भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव में दे रही है। इस पर अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन यह सीटें लगभग फाइनल मानी जा रही हैं।